अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन मैन हु प्लांटेड ट्रीज़, वो शख्स जो दरख्त लगाता था, रिटन बाय जीन गियोनो। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट वन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं हम। फॉर अ ह्यूमन करेक्टर टू रिवील ट्रूली एक्सेप्शनल क्वालिटीज़, कहते हैं के ह्यूमन करेक्टर, इंसान का जो किरदार है ना रिवील, उसे उसके जाहिर करने के लिए या उसके इजहार के लिए, ट्रूली एक्सेप्शनल क्वालिटीज़, कि ट्रूली आपको जो है सच्ची एक्सेप्शनल क्वालिटीज़, गैर मामूली जो क्वालिटीज़ हैं, खूबियां हैं, वो आपको अंदर होनी चाहिए। वन मस्ट हैव द गुड फॉर्चून, कहते हैं किसी को भी फॉर्चून कहते हैं ना, किस्मत को, कहते हैं इसलिए किसी को इतना खुशकिस्मत होना चाहिए, टू बी एबल, कि वो बंदा इस काबिल हो टू ऑब्ज़र्व इट्स परफॉर्मेंस, कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है यानी कि उसकी जो कारगर्दगी है उसको ऑब्ज़र्व कर सके, उसका मुशाहिदा कर सके, ओवर मैनी ईयर्स, कई साल तक। कहता है कि इंसान इतना खुशकिस्मत हो कि साला साल तक अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको ऑब्ज़र्व कर सके। इफ़ दिस परफॉर्मेंस इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल इगोइज़म, कहता है कि अगर ये जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी कारगर्दगी है, ये डिवॉइड होता है पाक होना, साफ़ होना, किस चीज़ से पाक हो, ईगो, ईगो कहते हैं ना अनापरस्ती को, ईगोइज़म अनापरस्ती, अगर उसका ये जो किरदार है ये अनापरस्ती से पाक हो, तो इफ़ इट्स गाइडिंग मोटिव, अगर उसकी जो ये गाइडिंग मोटिव है यानी कि उसकी बेमिसाल मुहर्रिक है, मोटिव आप कह लें, इज़ अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड कहते हैं जिसकी कोई मिसाल ना हो, जेनरोसिटी, सखावत को, फियाजी को, कहते हैं अगर उसका मकसद क्या हो कि बेमिसाल फियाजी हो, सखावत हो, इफ़ इट इज़ एब्सोल्युटली सर्टेन दैट, कहता है कि अगर मुकम्मल तौर पर बात ये होगी दैट देयर इज़ नो थॉट ऑफ रिकम्पेंस, कि उसमें कोई भी सोच उसकी ऐसी ना हो, रिकम्पेंस कहते हैं जिसमें हम बदले का ख्याल ना हो हमारे दिमाग में, कहता है कि वो इस तरह अच्छा नेक काम करे कि बदले का ख्याल उसके जहन में ना हो, एंड दैट इन एडिशन, और इसके अलावा ये कि इट हैज़ लेफ्ट इट्स विजिबल मार्क, कि वो अपनी जो है ना लेफ्ट छोड़ दे, विजिबल वाजा मार्क निशानी, कि अपनी वाजा निशानी छोड़ दे, कहाँ पर, अपॉन दी अर्थ, इस ज़मीन के ऊपर, देन देयर कैन बी नो मिस्टेक, कहता है तो फिर इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अबाउट 40 ईयर्स अगो, कहते हैं तकरीबन 40 साल पहले, आई वॉज टेकिंग अ लॉन्ग ट्रिप, कि मैं एक लंबे सफ़र पर जा रहा था, ऑन फुट ओवर माउंटेन, यानी कि फुट का मतलब है यहाँ पैदल, कि पहाड़ों का सफ़र जो है ना, पहाड़ी चोटियों का पैदल उन पर चलकर जाना, माउंटेन हाइट्स, क्वाइट अननोन टू टूरिस्ट, कहते हैं कि वो सफ़र पर मैं गया हूँ उस तरह की पहाड़ की चोटियों पर पैदल, मेरा सफ़र का इरादा था जो कि सियाहों के लिए भी अननोन थे, यानी कि ना आशना थे, सियाह भी उन जगह से वाकिफ़ नहीं थे, ये ऑथर अपनी स्टोरी बता रही हैं। इन दैट एंशियंट रीजन, कहते हैं उन कदीम इलाकों में, वेयर द एलिप्स थ्रस्ट डाउन, एलिप्स कहते हैं पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं उन्हें भी कहते हैं, तो कहते हैं और पहाड़ी सिलसिला है एक, उस पहाड़ी सिलसिले का नाम भी एलिप्स है, तो कहते हैं कि एलिप्स की जो पहाड़ियाँ हैं ना, थ्रस्ट डाउन होता है निकलना जाना, वो कहाँ तक जाती थी, इनटू प्रोविंस, ऑल दिस, कि प्रोविंस है फ्रांस का एक इलाका है, तो उसका बता रहे हैं कि एलिप्स की जो पहाड़ी सिलसिला है वो प्रोविंस तक यानी कि फ्रांस के एक इलाके तक जाता था वो सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला। एट द टाइम, कहते हैं उसी वक्त, आई एम्बार्क्ड अपॉन माई लॉन्ग वॉक, इम्बार्क होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, कहते हैं कि उसी वक्त मैंने क्या किया कि अपने जो तवील सफ़र है उसका आगाज़ किया, और कहाँ से आगाज़ किया, थ्रू दीज डेजर्टेड रीजन्स, कहते हैं ये जो बंजर इलाके थे ना, उन इलाकों से मैंने अपने तवील सफ़र का आगाज़ शुरू किया। वाज बैरन, वो बिल्कुल ही बैरन कहते हैं गैर आबाद होना, गुंजान आबाद, एंड कलरलेस लैंड, कहते हैं वो ज़मीन जो है ना बिल्कुल गैर आबाद और बग़ैर किसी रंग के, यानी कि बेकैफ कह लें आप, बेकैफ सी ज़मीन थी वो, नथिंग ग्रू देयर बट विल्ड लेवेंडर, कहते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता था सिवाय विल्ड, कहते हैं जंगली लेवेंडर, एक जंगली फूल होते हैं, कि जंगली जो लेवेंडर के फूलों के अलावा वहाँ पर और कुछ नहीं
उगता था, यानी कि उन्हें कोई किसी किस्म का कोई सब्ज़ा भी नज़र नहीं आता था उधर। I was crossing the area at its widest point. Widest कहते हैं वसी को, कहते हैं कि मैं ये जो इलाका है ना उसको उसके वसी जो मकाम है उस पर क्रॉस कर रहा था, यानी कि पार कर रहा था या अबूर कर रहा था। एंड आफ्टर 3 days walking, और कहते हैं कि 3 दिन चलने के बाद या सफ़र करने के बाद found myself in the midst of unparalleled desolation, कहते हैं कि मैंने ख़ुद को क्या किया कि ना काबिले बयान जो वीरानी है ना, वीरान इलाका, उसके दरमियान में पाया, उसके मिड में पाया। I camped near the vestige of an abandoned village, कहते हैं कि मैंने अपना कैंप लगा लिया, यानी कि खेमा लगाया। कहाँ पर लगाया? जहाँ पर abandoned village के वीरान सा गांव था, यानी कि उसके कुछ वेस्टिज थे, कुछ निशानात बाकी थे कि यहाँ पर पहले कभी गांव होता था, उसके करीब क्या किया, कैंप कर लिया, अपना खेमा लगा लिया। आई हैड रन आउट ऑफ वाटर द डे बिफोर, कहते हैं कि इस पिछले दिन, यानी कि एक दिन पहले मेरे पास पानी ख़त्म हो चुका था। एंड हैड टू फाइंड सम, और क्या है कि कहते हैं कि मुझे कुछ पानी तलाश करना था। दीज क्लस्टर्ड हाउसेस, कहते हैं कि इन घरों का जो झुरमट है वो, ऑल दो इन रूइंस, रूइन होता है खंडरात में तब्दील हो जाना, कहते हैं जो घरों का झुरमट था ना वो अब खंडरात में बदल चुका था। लाइक एन ओल्ड वास्प्स नेस्ट, कहते हैं वास्प कहते हैं भीड़ को, नेस्ट उसका जो भीड़ का जो छत्ता होता है ना, कहते हैं कि बिल्कुल एक भीड़ों के पुराने छत्ते से क्या था, सजेस्टेड दैट, कहते हैं भीड़ों के पुराने छत्ते से मुझे ये पता चला कि देयर मस्ट वंस हैव बीन अ स्प्रिंग और वेल हियर, कहते हैं कि यहाँ पर चश्मा या कुआं वाकिया था, क्योंकि वहाँ पर कोई उन्हें पुराना छत्ता नज़र आया तो उन्हें आइडिया हुआ कि यहाँ ज़रूर पानी का कुआं मौजूद होगा। देयर वॉज इन डीड अ स्प्रिंग बट इट वॉज़ ड्राई, कहते हैं कि वाकई ही वहाँ पे स्प्रिंग यानी कि चश्मा था पानी का, बट इट वॉज़ ड्राई, लेकिन वो खुश्क था। द 5 or 6 हाउसेस, वो जो 5 या 6 जो घर जिसको वो बता रहे हैं जो खंडरात में बदल चुके थे, रूफलेस मतलब छत के बगैर थे, उनकी छत नहीं थी, नॉट बाय, तबाह कर दिया था जिसे विंड एंड रेन, हवा और बारिश ने। द टाइनी चैपल विद इट्स क्रम्बलिंग स्टीपल, कि कहते छोटा सा जो है गिरजा घर भी था वहाँ पर, और उसके साथ क्या था कि तबाह हाल, क्रम्बलिंग स्टीपल के तबाह हाल मीनार उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। स्टूड अबाउट लाइक द हाउसेज एंड चैपल्स इन लिविंग विलेजेस, कहते हैं कि वो जो है वहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ था उस पुराने घरों और वो जो गिरजाघर है, लिविंग विलेजेस, जहाँ पर कभी गांव आबाद होता था लेकिन अब नहीं है। बट ऑल लाइफ हैड वैनिश्ड, कहते हैं लेकिन अब क्या था, उनमें ज़िंदगी के असरात ख़त्म हो चुके थे। इट वॉज अ फाइन जून डे, कहते हैं कि ये जून का एक खुशगवार दिन था। ब्रिलियंट विद सनलाइट, बहुत ही रोशन दिन था, विद सनलाइट, सूरज की रोशनी के साथ। बट ओवर दिस अनशेल्टर्ड लैंड, कहते हैं लेकिन ये जो ज़मीन थी जिस पर मुझे, अनशेल्टर्ड होता है कि पनाह, यानी कि छत नहीं थी कोई, शेल्टर्ड नहीं था, कहते उस ज़मीन पर, हाई इन द स्काई, जो कि इतनी ऊंचाई पर वाकिया थी के आसमान के करीब, तो अनशेल्टर्ड को आप गैर महफूज मकाम भी कह सकते हैं, कि इस गैर महफूज मकाम पर जो कि इतना ऊंचा था कि आसमान के करीब हो। डिवाइन ब्लू विद अनइंड्यूरेबल फिरोसिटी, कहते हैं वहाँ पर हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी, अनइंड्यूरेबल के नाकाबले बर्दाश्त, फिरोसिटी शिद्दत के साथ इतनी तेज़ हवा चल रही थी। इट ग्रॉल्ड ओवर, ये इस तरह से ग्रॉल होता है गुराना, ये इस तरह से गुरा रही थी, ओवर कॉर केसेस, कॉर केसेस कहते हैं मुर्दा जिस्म को या लाश को, ऑफ दी हाउसेस, अब वो हाउसेस की कह रहे हैं कि घरों की जो लाशें पड़ी हुई थी ना, यानी कि जो खंडर थे घरों के खंडरों पर, उनकी लाशों पर हवा इस तरह से गुरा रही थी। लाइक अ लायन डिस्टर्ब्ड एट इट्स मील, जिस तरह से शेर जो है ना उसका खाना खाते हुए ना उसे डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान कर दिया गया है। आई हैड टू मूव माई कैंप, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी, जब ही वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से अपना जो कैंप है, अपना खेमा जो उन्होंने लगाया था, कहता वो मुझे वहाँ से हटाना पड़ा हवा की शिद्दत की वजह से।
आफ्टर 5 आवर्स वॉकिंग, कहते हैं कि 5 घंटे तक चलने के बाद आई हैड स्टिल नॉट फाउंड वाटर, कहते हैं कि मुझे फिर भी पानी नहीं मिला था, एंड देयर वॉज नथिंग टू गिव मी एनी होप ऑफ फाइंडिंग एनी, और कहते हैं वहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र भी नहीं आ रही थी कि जो पानी की मतलब उम्मीद दिलाने की ना कोई मुझे निशानी भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। ऑल अबाउट मी वॉज द सेम ड्राइनेस, कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द क्या था कि सिर्फ वही ड्राइनेस यानी कि खुश्की थी, द सेम कॉर्स ग्रासेस और वही गैर हमवार या मोटी घास थी। आई थॉट, कहते हैं मैंने सोचा, आई ग्लिम्स्ड इन द डिस्टेंस अ स्मॉल ब्लैंक सिलुएट अपराइट एंड टुक इट फॉर द ट्रंक ऑफ अ सॉलिटरी ट्री। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसे पानी तो मिल नहीं रहा, अब वो क्या समझे हैं कि आई ग्लिम्स्ड, कि मुझे एक झलक नज़र आई है किस चीज़ की, इन द डिस्टेंस ज़रा दूर फासले पे अ स्मॉल ब्लैक सिलुएट, सिलुएट कहते हैं खाके को, कि मुझे दूर काला सा ना छोटा सा कोई खाका नज़र आया है अपराइट ज़रा आगे करके, एंड टुक इट फॉर द ट्रंक ऑफ अ सॉलिटरी ट्री। अब ये क्या समझे हैं कि उस खाके को देखा है और ये समझे हैं कि वहाँ पे कोई तनहा ट्री यानी कि दरख्त खड़ा है, इन्हें वो खाका नज़र आया है लेकिन ये समझे हैं दरख्त है। इन एनी केस, कहते हैं बहरहाल, आई स्टार्टेड टुवर्ड इट, यानी कि मैं उस खाके की तरफ जो है चला। इट वॉज अ शेपर्ड, शेपर्ड क्या होता है, चरवाहा, कहते हैं ये एक चरवाहा था। 30 शीप वर लाइंग अबाउट हिम ऑन द बेकिंग अर्थ, अब वहाँ पर उनके उस चरवाहे के इर्द गिर्द क्या था कि 30 जो शीप हैं यानी कि भेड़े हैं वो वहाँ पर थी, वर लाइंग, लाइंग होता है लेटे हुए होना, वो लेटी हुई थी ऑन द बेकिंग अर्थ, बेकिंग अर्थ कहते हैं यानी कि गर्म ज़मीन पर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना तो कहते हैं कि गर्म ज़मीन पर तकरीबन 30 भेड़े लेटी हुई थी। He gave me a drink from his water gourd. कहते हैं कि उसने ही यानी कि शेपर्ड ने क्या किया कि उसने अपने जो वाटर गोर्ड कहते हैं पानी का जो बर्तन उनके पास था उसमें से एक पानी निकाला और उसको पीने के लिए दिया। A little later, थोड़ी देर के बाद, took me to his cottage. कहते हैं कि वो मुझे अपनी झोंपड़ी के पास ले गया। In a fold of the प्लेन, जो कि क्या था, खुले मैदान में बनी हुई झोंपड़ी थी, वहाँ ले गई। ही ड्रू हिज वाटर, कहते हैं उसने अपना पानी निकाला, एक्सीलेंट वाटर, शानदार पानी, फ्रॉम अ वेरी डीप नेचुरल वेल, जो कि उन्होंने कहाँ से पानी निकाला था कि कुदरती जो नेचुरल वेल है यानी कि जो कुदरती कुआं होता है वहाँ से निकाला था। अबव विच ही हैड कंस्ट्रक्टेड, जिसके कुएँ के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्टेड की हुई थी यानी कि तामीर की हुई थी, क्या चीज़ की, अ प्रिमिटिव विंच, विंच कहते हैं चरखी, वो जो हैंडल होता है घुमाने वाला जिसके ज़रिए पानी ऊपर आता है, और उस कुएं के ऊपर उसने क्या लगाया हुआ था, प्रिमिटिव के कदीम ज़माने की चरखी वहाँ पर लगाई हुई थी। द मैन स्पोक लिटल, ये आदमी बहुत कम बोलता था। दिस इज़ द वे ऑफ दोज हु लिव अलोन, ये उन लोगों का तरीका है जो तन्हा रहते हैं। बट वन फेल्ट दैट, लेकिन कोई भी शख्स ये महसूस कर सकता था, ही वॉज श्योर ऑफ हिमसेल्फ, कि उसे खुद पर यकीन था, एंड कॉन्फिडेंस इन हिज अश्योरेंस, और उसे अपने यकीन पर वो क्या था कि एतमाद भी रखता था या भरोसा रखता था। दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड इन दिस बैरन कंट्री, कहते हैं कि ये इस बंजर इलाके में बिल्कुल गैर मतवक्का था। ही लिव्ड नॉट इन अ कैबिन, कि वो रहता था, कैबिन कहते हैं झोंपड़ी, कहते हैं कि मतलब वो एक झोंपड़ी में नहीं रहता था, बट इन अ रियल हाउस, लेकिन वो एक असल के मतलब हकीकी घर में रहता था, बोल्ट ऑफ स्टोन्स, जिसको उसने किससे बनाया हुआ था, पत्थरों से बने हुए घर में रहता था। दैट पोर प्लेन एविडेंस, जो कि इस बात का वाजा सबूत हमें मिलता है, ऑफ हाउ हिज ऑन एफर्ट्स हैड रिक्लेम्ड द रूइन He had found there on his arrival, कि किस तरह से उसने own efforts की अपनी कोशिशें करके had reclaimed the ruin, उस खंडर को उसने दोबारा से आबाद किया था। He had found there on his arrival, कि उसको पहुँचने पर उसे जो खंडर मिला था ना वहाँ पर उसने अपनी मेहनत और कोशिशों से किस तरह से उसे दोबारा आबाद कर दिया था। His roof was strong एंड साउंड, उसकी जो छत थी वो स्ट्रॉन्ग थी यानी कि बहुत मजबूत थी, एंड साउंड होता है आवाज़ वाली यानी कि उससे आवाज़ पैदा होती। डिवाइंड ऑन इट्स टाइल्स,
मेड द साउंड ऑफ द सी अपॉन इट शोर के वाइंड ऑन इट्स टाइल, उसकी जो टाइल्स यानी कि उसके जो पत्थर थे ना उस पर जब वाइंड हवा जब टकराती थी मेड द साउंड, तो वो इस तरह की आवाज़ पैदा करती थी ऑफ द सी अपॉन इट्स शोर के जिस तरह साहिल समंदर पर पानी बहने की आवाज़ होती है ना, तो उस तरह की वो आवाज़ पैदा करती थी उसकी छत से टकरा कर हवा। द प्लेस वॉज इन ऑर्डर, कहते हैं कि उसका जो घर है ना वो बिल्कुल तरतीब से था। द डिशेज वॉश्ड, उसके बर्तन जो हैं वो धुले हुए थे। द फ्लोर स्वेप्ट, उसका फर्श जो था ना स्वेप्ट यानी कि बिल्कुल साफ था। हिज राइफल ऑयल, उसकी जो राइफल यानी कि बंदूक थी राइफल थी उस पर तेल लगा हुआ था। हिज सूप वॉज बॉइलिंग ओवर द फायर, उसका जो सूप है या उस यखनी कह लें आप, उसका सूप क्या था आग पर पक रहा था यानी कि उबल रहा था। आई नोटिस्ड देन, इसके बाद कहते हैं मैंने जो है ना ये महसूस किया यानी कि नोटिस की ये चीज़, दैट ही वॉज क्लीनली शेव्ड, कि उसकी जो हजामत है ना वो बड़ी अच्छी हुई हुई थी। दैट ऑल हिज बटन्स वर फर्मली स्वीड ऑन, और उसके जो बटन हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ सिए हुए थे। That his clothing had been mended, यहाँ तक कि उसके कपड़ों पे ना mended होते पेवंद लगाए गए थे, पेवंद लगे हुए थे। With the meticulous care that makes the mending invisible, उसके कपड़ों पर पेवंद लगे हुए थे। With the किसके साथ meticulous, meticulous होता है बहुत ही बारीक बीनी के साथ, meticulous care के बहुत ही बारीक बीनी के साथ लगाए गए थे। दैट मेक द मेंडिंग, जिसने पेवंत को क्या कर दिया था इनविजिबल, ऐसे कर दिया था कि वो पेवंत कपड़ों पर लगे हुए नज़र ही नहीं आ रहे थे यानी कि इतने अच्छे तरीके से उसने लगाए हुए थे। ही शेयर्ड हिज सूप विद मी, उसने अपना जो सूप है वो मेरे साथ शेयर किया यानी कि मुझे दिया या मेरे साथ बांटा। एंड आफ्टर वर्ड, और कहते हैं कि उसके बाद व्हेन आई ऑफर्ड माई तंबाकू पाउच, के मेरा जो तंबाकू का पाउच है वो मैंने उसे ऑफ़र किया यानी कि पेश किया। ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट स्मोक, तो कहते उसने मुझे बताया कि वो सिगरेट जो है वो नहीं पीता। हिज डॉग, उसका कुत्ता एज साइलेंट एज हिमसेल्फ, बिल्कुल उसी की तरह खामोश था जिस तरह वो आदमी खुद ज़रा चुप चुप रहता था ना, उसका कुत्ता भी नहीं उतना ज़्यादा बोलता था। वॉज फ्रेंडली विदाउट बीइंग सर्वाइल, के गुलाम सर्वाइल गुलामी को कहते हैं, कहता गुलामाना रवैया रखे बगैर फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना रवैया रखता था, उसका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था, बस क्या था कि वो ज़्यादा बोलता नहीं था, ज़्यादा बातें नहीं करता था। It was understood from the first that I should spend the night there. कहता है कि ये बात पहले से ही जो है मुझे समझ आ गई थी कि मुझे वहाँ रात गुजारनी चाहिए। The nearest village, क्योंकि करीबी गांव, was still more than a day and a half away. कहता है कि करीब तरीन गांव अब भी एक दिन या एक दिन से ज़्यादा के जो मुसाफत है उसके फासले पर था। And besides, और इसके अलावा I was perfectly familiar with the nature of the rare village in that region. कहते हैं कि इसके अलावा क्या था इस खित्ते में ना, कहते हैं कि बहुत कम गांव की फितरत से ना मैं मानूस हुआ था, मतलब उसे ये यहाँ गांव में रहना अच्छा लग रहा था। There were four or five of them scattered well apart from each other on these mountain slopes. कहते हैं कि यहाँ पर ना क्या था, जो माउंटेन स्लोप्स हैं पहाड़ी ढलवानों पर क्या था कि चार या पांच गांव वाकिया थे लेकिन वो थोड़े वेल अपार्ट एक दूसरे से खासे अच्छे खासे फासले पर वाकिया थे। अमंग वाइट ओक थिकेट्स, कहते हैं कि सफ़ेद रंग के जो शाहबलूत की जो थिकेट्स कहते हैं झाड़ी को, कि सफ़ेद जो झाड़ियाँ थी ना शाहबलूत की, एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वैगन रोड, के वैगन वाले रोड के एंड तक जो वो झाड़ियाँ जो हैं वो जाती थी उसके आखिरी सिरे तक। दे वर इनहेबिटेड बाय चारकोल बर्नर्स एंड द लिविंग वॉज बेड, कहते हैं कि देवर वहाँ पर क्या मतलब उन गांव में किस तरह के थे, कहते हैं उन गांव में रहते थे एक चारकोल कहते हैं कोयले को यानी कि लकड़ी जलाकर ही कोयला होता है ना, तो कि लकड़ियाँ या कोयला जलाने वाले लोग रहते थे। एंड द लिविंग वॉज बेड, और उनकी जो म्यारे ज़िंदगी है वो अच्छा नहीं थी, म्यारे ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फैमिलीज
जो ख़ानदान है उन गांव के ख़ानदान की बात हो रही है. क्राउडेड टुगेदर इन अ क्लाइमेट डेट इज़ एक्सेसिवली हार्श बोथ इन विंटर एंड इन समर. कहते हैं क्राउडेड टुगेदर, वो वहाँ पर इकट्ठे रहते थे इन अ क्लाइमेट, एक ऐसी आबो हवा में डेट इज़ एक्सेसिवली, जो कि बहुत शिद्दत के साथ यानी कि हार्श, बहुत आप कह लें कि शदीद मौसम था. बोथ इन विंटर एंड समर यानी कि दोनों मौसमों में सर्दी और गर्मी बहुत शिद्दत की वहाँ पड़ती थी. फाउंड नो एस्केप फ्रॉम द अनसीजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनैलिटीज़. कहते हैं कि अपनी जो शख्सियात के जो तनाज़ात हैं ना, उससे ख़ुद को बचा नहीं सकते थे क्योंकि मौसमों का असर बहुत होता था. दी मैन टुक देयर वैगन लोड्स ऑफ चारकोल टू द टाउन, के आदमी जो है ना वो अपनी वैगनों में चारकोल जो कोयला है वो लोड करके भर के लेके जाते थे टाउन, नीचे जो कस्बा है वहाँ तक यानी कि शहर तक ले जाते थे. एंड देन रिटर्न, और उसके बाद फिर वापस आते थे. वाइल दी वुमेन, जबकि जो औरतें हैं, नर्स्ड देयर ग्रीवेंसेस, औरतें जो हैं उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा करती थी. ये वहाँ की लाइफ बताई है. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लेसन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए आप पार्ट 2 वाली वीडियो देखिए.